फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं इमली और गुड़ का चटनी। इमली गुड़ का चटनी, आप लोग सुन के हैरान होइएगा कि इमली गुड़ का चटनी भी होता है। तो बोला हाँ गाइस, तो इमली गुड़ का चटनी होता है, हम खाए हैं, बहुत स्वादिष्ट लगा, जरा भी खट्टा नहीं लगेगा। तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखेगा, मात्र 2 मिनट में आपको इमली और गुड़ का चटनी बनकर रेडी हो जाएगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप लोग रोटी साथ, किसी समोसा साथ, ब्रेड चप, आलू चप साथ आप लोग नाश्ता में खा सकते हैं। उसे फ्रिज में 2-3 दिन भी रखिएगा गाइस, तो आपको कुछ भी खराब नहीं होगा वो चटनी। आप लोग सिंपल तरीका से मात्र 2 मिनट में आपको रेडी हो जाएगा इमली गुड़ का चटनी। कैसे बनता है, क्या बनता है, बस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ध्यान से देखेगा इमली गुड़ का चटनी, आप लोग जरूर हैरान होते होंगे, इमली गुड़ का चटनी तो देखे नहीं है ना खाए, मगर आज इस वीडियो में हम बताएंगे इमली गुड़ का चटनी होता है, आपको खा के भी दिखाएंगे, स्वादिष्ट भी लगेगा, लाजवाब लगेगा। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इस हमको कढ़ाई में आपको रिफाइंड डालना है, इस चटनी में आपको रिफाइंड या घी का इस्तेमाल करना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसमें थोड़ा सा हम रिफाइंड डाल दिए, चाहे रिफाइंड चाहे घी, याद रखिए तेल का इस्तेमाल आप इसमें मत करिएगा, क्योंकि तेल में कड़वाहट रहता है, चटनी का स्वाद खत्म हो जाएगा आपका। तो इसमें हमको रिफाइंड डाल दिए, अब इसे हम तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो ऑलरेडी ये तेल गर्म हो चुका है, क्योंकि कढ़ाई पहले से गर्म था। अब इसमें हमको ऐड करना, ध्यान से देखिए गाइस, लाजवाब लगेगा, इमली और गुड़ का चटनी स्वादिष्ट लगेगा, आप लोग हाथ उंगली चाट के खाइएगा। तो बस इसमें आपको ऐड करना हल्का तीखा, आपको चटनी को खटमिट चटनी को बनाना है। तो इसमें हम मिर्चा ले लिए, 2 पीस ऐड कर दिए मिर्चा को। अब मिर्चा को हल्का ब्राउन होने देते हैं, तो मिर्चा को हल्का ब्राउन होने दीजिए इसको, इसको थोड़ा सा तेल को थोड़ा सा गर्म हो चुका था, तो हल्का इसे ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं करना, जलाना नहीं है। तो देखिए गाइस, इसी तरह से आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा, हम तो पहला बार खाएं, बहुत खाने में बहुत स्वादिष्ट लगा। तो हम तो चलो भाई ऑडियंस लोग को बताते हैं चटनी कैसा बनेगा, समोसा साथ, कचौड़ी के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, पूड़ी के साथ, सबके साथ आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमको ऐड करना है एक इलायची, इलायची को हम छोटे छोटे ले लिए, इसे हम इस तरह से तोड़ लिए हैं, इसे चूरना नहीं, खड़े खड़े डालना है। इलायची को हम इसमें ऐड कर देते हैं, इसको हमको इलायची को इसमें ऐड कर दिए, 3-4 इलायची लिए थे, आप लोग 2 भी इलायची ले सकते हैं, 1 भी इलायची ले सकते हैं, सिर्फ स्वाद आने के लिए, ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए चटनी में। तो हम इलायची को भी ऐड कर दिए, इलायची भी जल रहा है, आप लोग को दिखता होगा, तो इलायची भी जल रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक, तो अदरक को भी पेस्ट भी बना सकते हैं, आप खड़ा भी दे सकते हैं। तो हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए, तो अदरक को भी ऐड कर दिए हैं इसमें, थोड़ा सा इसको भी भून लेते हैं। अब इसमें हमको ऐड करना है मेन जो ऐड है जिससे स्वादी, जो सौंफ, सौंफ जो बाजार में मिलता है आप लोग राशन दुकान में, तो सौंफ को भी ऐड कर दीजिए इसमें। देखिएगा सौंफ को भी हम ऐड कर दिए इसमें, और हल्का इसे ब्राउन होने देते हैं, हल्का, ज़्यादा नहीं। देखिए खुशबू कितना अच्छा आ रहा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा, जीरा को भी ऐड कर देंगे इसमें, ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। तो इसमें हल्का जीरा भी हम ऐड कर दिए, और इसे हल्का ब्राउन करना है। और इधर हम गाइस देख सकते हैं, आप इमली, आप 1 घंटा पहले रात में हमें इमली डाल दिए थे, फूल गया अच्छा तरह से, इसी और गुड़ का मात्र चटनी बना के दिखाएंगे, लाजवाब, चाट कर खाइएगा। तो इस तरह इमली को आप चूर लीजिए बेस्तरी, ताकि सब पानी बन जाए, खट मीठ खाने का, इमली का ही मज़ा ही रहता है चटनी। तो देखिए इसको हम चूर लिए हैं, पानी घुल गया है, देख सकते हैं गाइस आप लोग को। तो हम ऑलरेडी इसमें डाल दिए हैं, इधर भी मेरा जीरा सॉफ्ट थोड़ा हल्का ब्राउन हो चुका है, तो देख सकते हैं। और इधर हम 1 पीस गुड़ रखे हुए हैं, तो देख सकते हैं गुड़, आपको आपको गुड़ को इस तरह से तोड़ लेना है, ताकि छोटे छोटे पीस में गुड़ हो जाए। तो आपको हम गुड़ को तोड़ के दिखा देते हैं, तब गुड़ को भी हम, टूटा हुआ था गुड़, तो गुड़ को भी हम तोड़ लिए। अब हम इसे हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम पानी, इमली का पानी डालेंगे धीमा आंच पर। तो इमली का हम पानी को ऐड कर दिए, देख सकते हैं गाइस इमली का पानी को हम ऐड कर दिए। अब बाकी जो ये बचा है इसे भी पानी ऐड करना है, और पानी डाल के हम डालेंगे बाद में, पहले इसे हम चला लेते हैं थोड़ा सा इसको, ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। थोड़ा सा पानी को ऐड कर देते हैं, तो पानी को इसमें ऐड करके इसमें जो सूखा हुआ है गाइस, इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे टुकड़ा, जो सारा बिच्चा को आपको निकाल लेना है इसमें। तो हम इसको भी दिखाते हैं, तो पानी को भी इसमें हम, तो इसमें और पानी हम थोड़ा ले लिए, देख सकते हैं। और थोड़ा सारा चीज़ हमको इसको ऐड कर देना है, थोड़ा सा निकाल लेना है हम इमली को,
इसमें आप 2-3 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं, कुछ भी खराब नहीं होगा। आप लोग 2-3 दिन 1 हफ्ता तक फ्रिज में आप लोग रख के खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई खराबी नहीं होगा, कोई भी खट्टापन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ मिक्स है गाइस। क्योंकि हम 1 हफ्ता 1 चटनी रखे थे तो बहुत स्वादिष्ट लगा खाने में। हम लोग समोसा के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ आप लोग सिंपल खा सकते हैं। तो देखिए बिच्छा को निकाल रहे हैं, देखिए हम ऐड कर रहे हैं इसका भी जो बिच्छा था, देखिए हम बिच्छा को ऑलरेडी निकाल रहे हैं। देखिएगा सब लोग को दिखता होगा बिच्छा जो साइड है, तो बिच्छा को हम साइड कर देते हैं सब बिच्छा को, और जो ऊपर का खोइया है इसको हम डाल देते हैं। बिच्छा सहित नहीं डालना है गैस, तो दांत तरफ जब बिच्छा पड़ेगा तो खराब लगता है खाने में। तो बिच्छा को हमको निकालने दीजिए। तो देखिए हम गा डाल दिए, धीमा आँच कर दिए हैं, इसे इमली को बेस्ट फ्लेवर आ जाएगा, स्वादिष्ट लगेगा खाने में आप लोग को। तो बस गैस बस हम डाल दिए, जो हम पानी इसमें बचा हुआ है वो भी हम ऐड कर देंगे। देखिए गैस, देखिए पानी है इसमें, इसमें बिच्छा नहीं है, इसे पानी को भी ऐड कर दिए। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आपको डालने के लिए काला नमक डालना है, ताकि काला नमक से स्वादिष्ट बन जाए। तो थोड़ा सा ऐड करना है काला नमक, वीडियो में बने हुए रहिए। हम थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे, देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि स्वाद थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो इसमें देखिए ये खोल चुका है, इसमें हम काला नमक ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हमको ऐड करना है गुड़, ताकि गुड़ से ही ये गाढ़ा हो जाएगा। तो हम गुड़ को इस तरह से चूर दिए हैं, इस तरह से चूर दिए गुड़ को, इसमें हम ऐड कर दिए सारा गुड़। बहुत स्वादिष्ट लगेगा गाइस, जरा भी खट्टा आपको नहीं लगेगा, आपको दम बहुत लगेगा जैसा चटनी हम खा रहे। तो गुड़ को हम ऐसे ऐड कर दिए, इस तरह से हम गुड़ को मिला लिए, ताकि गुड़ इसमें घुल जाए और अच्छा से स्वादिष्ट फ्लेवर आ जाए। तो वीडियो में इस तरह से आपको मिलाना है, आपको चलाना ही छोड़नी है, क्योंकि गुड़ सटता है कढ़ाई में, तो आपको फ्लेवर सटना नहीं चाहिए, जलापन लगेगा। इस तरह से आपको चलाना है, और धीमा आंच पर इसे 2 से 3 मिनट तक सिर्फ गलने दीजिए। उसके बाद हम बताते हैं लाजवाब लगेगा। इसके लिए तो 1 लाइक कर दीजिएगा गाइस, और क्या बोले, कुछ नहीं बोलेंगे गाइस। देख सकते हैं ये खोल रहा है, इसे इसी तरह से चलाना है ताकि सटे नहीं नीचे। इसे खोलने के बाद 10 से 15 मिनट ठंडा होने के बाद आपको हम दिखाते हैं इसका लुक, इसका कलर, इसका खाने का स्वाद, सब हम इस वीडियो में बताएंगे। 2 मिनट में मात्र बना दीजिए इमली गुड़ का चटनी, लाजवाब, उंगली चाट के खाइए। तो बोलिएगा आंटी आप ऐसा चीज़ पहले क्यों नहीं बताएं, तो गाइस पहले भी बताते मगर क्या करे गाइस। देखिए गाइस कितना अच्छा लुक लग रहा है, देखने में लग रहा है कि अभी हम खा लें, मगर अभी खा नहीं सकते क्योंकि जीभ जल जाएगा इससे गर्म से। इसी तरह से आपको चलाना है, तो देख सकते हैं गाइस। अब आपको उठा के दिखाते हैं, देखिए चटनी बन के थोड़ा सा है पानी, इसे 10 से 15 मिनट था कि ताकि सब जम जाए और अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, खाने भी स्वाद लगे। इसी तरह से आपको चलाना है, ताकि सटना नहीं चाहिए नीचे, सट जाएगा तो जल जाएगा, क्योंकि गुड़ सटता है कढ़ाई में, गुड़ ऐसे भी सटता है। देख सकते हैं गाइस, बस अभी से सूखने देते हैं थोड़ा सा 5 मिनट ना, उसके बाद 10 से 15 मिनट इसको हम पंखा में रख देंगे, ताकि जम के लुक अच्छा लगे। तो वीडियो में बने हुए रहिए। देख सकते हैं चटनी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना अच्छा, तो स्वादिष्ट खाने में भी लगेगा, मात्र घर में ही बनाइए। देख सकते हैं लुक कितना सुंदर लग रहा है, और देखिए गाइस गढ़ा भी हो गया, देख सकते हैं आप लोग, छोड़ने के बाद आपको आगू में दिखाते हैं चटनी का। तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए गाइस आपको हाथ भी चटे चटे लग रहा है। इस तरह से आपको इमली गुड़ का चटनी बनाना है, इसे 10 से 15 मिनट से छोड़ देते हैं ताकि और जम जाए। तो वीडियो में बने हुए, देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। तो सी रोटी पराठा साथ, पूरी साथ, समोसा साथ, समोसा सॉरी समोसा साथ नहीं खाएगा, रोटी पूरी साथ आप लोग खा सकते हैं इसको। तो बस 10 से 15 मिनट सूखने दीजिए, जमने दीजिए, वीडियो में बने हुए रहिए। गर्म ठंडा हो गया है, गढ़ा भी हो गया है, देख सकते हैं आप लोग, तो देख सकते हैं गैस गढ़ा भी हो गया है इस तरह से, आप लोग को दिखता होगा। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं, आपको मांगू से दिखाते हैं गैस। इसे हम शीशा का कटोरी है, आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं। देखिए गैस बहुत स्वादिष्ट लगेगा, एक बार घर में आप लोग जरूर बनाइएगा इमली गुड़ का चटनी, और बोलिएगा कमेंट में कैसा लगा गैस, वो भी बताइएगा। तो बस सारा इस कटोरी में निकल गया, देख सकते हैं हम कढ़ रहे हैं कटोरी में, इस तरह से हमको सारा कटोरी में से निकालने दीजिए। लाजवाब लग रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा।
तो बस गाइस देखिए बनकर रेडी हो चुका है गुड़ और टमाटर का चटनी, तो वीडियो में बने हुए रहिए। इमली या गुड़ का चटनी बनकर रेडी हो चुका है, आप लोगों को दिखता होगा। देखिए हम लोग छोटा कटोरी में निकालेंगे, कितना अच्छा लुक लग रहा है इसको खाने में। देखिए हाथ भी सट रहा है, तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप लोग रोटी पराठा साथ आराम से खा सकते हैं, आपको जरा भी खट्टा ना लगेगा, खट मीठ लगेगा, आपको खाने में स्वादिष्ट लगेगा। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमें सपोर्ट करिए प्लीज, जैसे आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, हमको सपोर्ट करिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तब जय हिंद, वंदे मातरम।